ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसी बायसिंग ऑफ जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसा कि हम लोगों ने बीजेटी का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर देखा था, सॉरी बीजेटी का डीसी बायसिंग देखी थी, फिक्स बायस, इमिटर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस एंड कलेक्टर फीडबैक बायस। उसी तरीके से इसमें भी तीन टाइप के बायसिंग को हम लोग देखेंगे। तीन टाइप की बायसिंग जो होगी वो इसमें फिक्स बायस होगी, सेल्फ बायस होगा और वोल्टेज डिवाइडर बायस होगा। जो उसमें इमिटर बायस था वो एक्चुअली इसमें जो है वो सेल्फ बायस के नाम से जाना जाता है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट दिस वन बायसिंग एंड दिस इज नथिंग बट वोल्टेज फिक्स बायस। फिक्स बायस जैसे कि उसमें फिक्स बायस था, इसमें भी एक फिक्स बायस सर्किट है। अच्छा, अगर फिक्स बायस सर्किट को आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या चेंजेस है, इसमें एक ये तो जेफेट समझ में आ रहा है, ये जेफेट है, जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ये डायग्राम है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, एन चैनल है ना, ये एरो इंडिकेट करता है एन चैनल का। बाहर की तरफ एरो होगा उसका मतलब होगा कि वो पी चैनल है। तो एन चैनल जेफेट के बारे में पढ़ रहे हैं और ये सोर्स दोनों में कॉमन है, तो कॉमन सोर्स का है। तो जितने भी अभी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है वो कॉमन सोर्स के बारे में ही पढ़ना है, तो इसलिए कहीं पे लिखा नहीं है कि ये कॉमन सोर्स है या क्या है। ओके, तो इसमें वीडीडी जो वहां पे वीसीसी होता था जेफेट बीजेटी में, यहाँ पे वीडीडी हो गया, ड्रेन के अक्रॉस हम लगा रहे हैं। और इसमें सोर्स के अकॉर्डिंग आप देख लो, गेट के अकॉर्डिंग एक दो वोल्टेज सोर्स लग गए, एक वोल्टेज सोर्स लगा वीडीडी और दूसरा वोल्टेज सोर्स लग गया वीजीजी। वीजीजी जो हो गया यानी कि गेट के अक्रॉस जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं वो यहाँ पे प्लस से माइनस, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एंड इसके अलावा सोर्स पे जैसा कि फिक्स बायस में वहां पे था, सोर्स पे कोई भी ये रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक रेजिस्टेंस ड्रेन के अक्रॉस है, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो रही है इसमें यानी कि आईडी करंट फ्लो रही है, ये ड्रेन ड्रेन पोर्शन होता है, ध्यान पे आ रहा होगा, ये सोर्स होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये गेट होता है ना। तो सोर्स के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया है, ड्रेन के अक्रॉस रेजिस्टेंस का नाम आरडी दिया हुआ है और गेट के अक्रॉस रेजिस्टेंस का नाम आरजी दिया हुआ है। आप लोगों को पता है कि गेट के क्रॉस रेजिस्टेंस काफी हाई, वेरी हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली इनफिनिट के आसपास। C1 C2 जो दिया गया, फिर से रिपीट कर दूं, ये C1 C2 रेजिस्टेंस जो है वो डीसी एनालिसिस के केस में, जब डीसी एनालिसिस करोगे तो इस ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि डीसी के केस में ये डीसी को ब्लॉक करता है और इस वजह से C1 और C2 ओपन सर्किट हो जाएंगे, इसीलिए किसी भी कैपेसिटर का यूज नहीं होगा डीसी एनालिसिस में। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स करके दिखा रखा आप लोगों को, इसका मतलब ये हुआ ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों 1 2 3, ये आप लोगों को अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान पे रख लेना है, बिकॉज जितने भी डीसी एनालिसिस होगी इनमें इन तीनों का यूज होने वाला है, इसलिए हर बार जो है मैं इसको बार बार रिपीट करते जाऊंगा। क्या है तीनों पॉइंट? आईजी इज इक्वल टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट आईजी आरजी की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। ओके, सेकेंड आईडी इज इक्वल टू आईएस, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक करंट आईडी फ्लो रही है, वही करंट नीचे की तरफ आईएस फ्लो रही है, तो इसलिए हमेशा आईडी इज इक्वल टू आईएस होगा, क्योंकि गेट करंट हमारा क्या है, जीरो है, इसलिए आईडी करंट जो होगा वो आईएस के बराबर होगा। एंड थर्ड इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी शॉकले इक्वेशन के बारे में, शॉक SHOCKLEYS शॉकले इक्वेशन, बहुत ही सिंपल है, आईडी इज इक्वल टू आईडीएसएस 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। तो चाहे न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, चाहे इक्वेशन ये करना हो, इन तीनों चार तीनों पॉइंट्स को हमें हमेशा दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। और इसके बाद इसके जो इक्वेशंस हैं, यानी कि जो इसमें KVL या हम लोग निकालते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, उसमें मात्र दो दो लाइन का, एक एक लाइन का है, आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज यू कैन से अप्लाई KVL across gate to source circuit, ये इस पहले वाली सर्किट में हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहे हैं यहाँ। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस से माइनस VGG, प्लस से माइनस VGG, यहाँ पे RG है, इसके अक्रॉस करंट IG फ्लो हो रहा होगा, तो ये हो जाएगा IG into RG, बट यहाँ पे देख सकते हो कि IG into RG जीरो है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड इसके बाद दूसरा वोल्टेज जो होगा इसके अक्रॉस, यहाँ से यहाँ के बीच में जो वोल्टेज अराइज होगा वो वोल्टेज क्या होगा, VGS। तो जबकि उसमें हम लोग बीजेटी में क्या होता था, ये आपको ध्यान पे होगा, ये होता था VBE। उस तरीके से VGS की वैल्यू ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लस और नीचे की तरफ क्या होगी, माइनस होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि इक्वेशन जो बनेगा
माइनस वीजीजी माइनस वीजीएस इज इक्वल टू जीरो। मात्र यहाँ पे आरएस तो है नहीं, इसलिए आईएस आरएस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे वीजीजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीजीएस के बराबर, यानी कि माइनस वीजीजी इज इक्वल टू वीजीएस जो होगा वो आपका यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। अच्छा, आप इसमें देख सकते हो कि दोनों वोल्टेज है, यानी कि दोनों फिक्स है, वीजीजी की वैल्यू गिवन है और वीजीएस की वैल्यू भी गिवन है, इसीलिए इसको हम लोग फिक्स बायस सर्किट बोलते हैं। क्लियर है? अब सेकंड जो केबल अप्लाई करेंगे हम लोग ड्रेन टू सोर्स में, यानी कि ड्रेन से चलेंगे यहाँ से और नीचे की तरफ आ जाएंगे यहाँ तक सोर्स की तरफ। ये भी बहुत सिंपल है, पहला वैल्यू देख सकते हो वीडीडी है, यहाँ पे वीडीडी लिख लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे आरडी है और इसके क्रॉस करंट जो है वो आईडी फ्लो है, तो ये हो जाएगा आईडी इनटू आरडी। माइनस क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। एंड माइनस वीडीएस, क्योंकि ये ऊपर की तरफ प्लस और नीचे माइनस, ग्राउंड जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी जो हो जाएगा वो माइनस वीडीएस हो जाएगा, है ना, डी और डी और एस के बीच में। तो ये दोनों वैल्यू वीडीएस और वीजीएस आपके क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में जनरली दिए हुए नहीं रहेंगे, ये हमेशा ऑटोमेटिकली डेवलप होगा ड्रेन टू सोर्स के बीच में और गेट टू सोर्स के बीच में, तो ये आप लोगों को हमेशा नोट डाउन करके रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस वीडीएस इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमें क्या निकालनी है, वीडीएस की वैल्यू। तो वीडीएस क्या हो जाएगा, वीडीडी इज इक्वल टू वीडीडी माइनस आईडी आरडी, है ना। यानी कि एक केस में हमने वीडीएस निकाल लिया, दूसरे केस में हमने क्या निकाल लिया, वीडीएस की वैल्यू। नाउ जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से वीजीएस निकालने के बाद आईडी की वैल्यू आप निकालोगे, ये आईडी की वैल्यू में आईडीएसएस गिवन रहेगा, वीपी भी आप लोगों को पिंच ऑफ वोल्टेज गिवन रहेगा, पिंच ऑफ पता ही आपको, आईडीएसएस मतलब ड्रेन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी दी रहेगी, वीजीएस आपने यहाँ से निकाल लिया तो आईडी निकल जाएगा, और इस आईडी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको वीडीएस की वैल्यू और सब कुछ निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला एनालिसिस, यानी कि फिक्स बायस जेफेट सर्किट के एनालिसिस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें स्लाइड पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल्फ बायस सर्किट, जो हम लोग बीजेटी में इमिटर बायस पढ़ते थे उसमें जो है ये सेल्फ बायस हो गया। फिर से इंपॉर्टेंट नोट्स डाल रखा है आप लोगों को, ये जो तीनों पॉइंट है ये इसमें हर सर्किट में यूज होगा, हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान पे रख के चलना है। सेल्फ बायस जेफेट सर्किट में अगर आप चेंजेस देखो उसके कंपेयर में, तो क्या चेंजेस है, यहाँ पे जो दो वोल्टेज यूज होता था यानी कि वीडीडी और वीजीजी, उसमें दो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करके सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स दे दिया गया है, जो कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज सोर्स है। एंड जो सोर्स के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे सोर्स के अक्रॉस एक आरएस रेजिस्टेंस लग गया है, है ना। तो इसका मतलब है कि जो आप सर्किट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसमें दो चेंजेस हैं, यहाँ का जो वोल्टेज होता था वीजीजी वोल्टेज वो रिमूव्ड हो चुका है, और यहाँ पे एक आरएस यानी कि रेजिस्टेंस अक्रॉस सोर्स इंक्लूड हो गया है। तो अगर इसमें भी हमें सॉल्व करने का यही तरीका है कि दो केवीएल लगाएंगे, अप्लाई केवीएल अक्रॉस गेट टू सोर्स सर्किट एंड देन अप्लाई केवीएल अक्रॉस ड्रेन टू सोर्स सर्किट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला में, इसमें केवीएल लगा रहे हैं हम फर्स्ट वाले में। जब इसमें हम केवीएल लगाएंगे, आप नोट डाउन करो, देखो यहाँ से, तो ये तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रही है आईजी, तो हमें पता है कि आईजी जो करंट होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, और अगर IG into RG करेंगे तो क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा, इसलिए IG into RG को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पहला काम खत्म। इसके बाद बचा VGS, तो VGS प्लस से माइनस, यानी कि ये हो गया माइनस VGS, क्लियर है, तो माइनस VGS को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आया ये, इसके क्रॉस करंट जो है वो क्या फ्लो रही है, IS फ्लो रही है ना, ये करंट जो है IS फ्लो रही है, और रेजिस्टेंस क्या है, RS है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, तो यानी कि ये नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो हो जाएगा ये भी नेगेटिव, यानी कि माइनस आई एस इंटू आर एस इक्वल टू जीरो, और इसको लिख सकते हैं वीजीएस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस, क्योंकि ये सेकंड वाला लाइन से देखें आई डी इज इक्वल टू आर एस आई एस होता है, इसलिए जनरली हम लोग इसकी वैल्यू वीजीएस इज इक्वल टू आई एस को आई डी से रिप्लेस कर देंगे, और ये हो जाएगा वीजीएस इज इक्वल टू आई डी इंटू आर एस, ठीक है। तो ये पहला जो बेस सर्किट यानी गेट सर्किट था, उस सर्किट से हम लोगों ने वीजीएस की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड में, अप्लाई केवीएल टू केवीएल इन ड्रेन टू सोर्स सर्किट, तो ड्रेन टू सोर्स का मतलब हो गया ये सर्किट ना, तो ड्रेन टू सोर्स सर्किट में अगेन हम केवीएल अप्लाई करेंगे, और इसमें आप देखते जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पहला जो है वीडीडी है, वीडीडी पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ माइनस एंड प्लस अप्लाई किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव वीडीडी वोल्टेज, इसलिए प्लस लिया गया। फिर इसके अक्रॉस करंट जो है वो आईडी फ्लो हो रही है,
है ना, क्योंकि ड्रेन की तरफ करंट जा रही है, इसलिए इसको करंट हमने आईडी ले रखा है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन बनेगा ये आईडी इंटू आरडी, ये हो जाएगा माइनस आईडी इंटू आरडी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहाँ पे इसके क्रॉस प्लस से माइनस वीडीएस वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसलिए माइनस वीडीएस, एंड देन आईएस इंटू आरएस, ये इक्वेशन बना। और फिर इससे हमें क्या निकालना है, वीडीएस की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, वीडीएस को लेके चले जाएंगे एक साइड में, और रिमेनिंग जो होगा वो एक साइड हो जाएगा। सो वीडीएस का इक्वेशन बनेगा वीडीडी माइनस आईडी आरडी माइनस आईएस इनटू आरएस। तो ये हमारा हो गया सेल्फ बायस सर्किट। तो दो सर्किट हमने देख लिया, पहला सर्किट देखा हमने फिक्स बायस सर्किट, एंड दूसरा सर्किट देखा हमने सेल्फ बायस सर्किट। तीसरा सर्किट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, एंड उसे हम लोग बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस, एंड ये सिमिलर होगा जैसा कि हम लोगों ने बीजेटी में पढ़ा था। सो एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायसिंग ऑफ जेफेट, एंड दिस इज वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो इसमें भी सिमिलर तरीका हम अप्लाई करेंगे। यहाँ भी इंपॉर्टेंट नोट में हमने ये तीनों पॉइंट नोट डाउन करके दिखा दी है आप लोगों को। सो बार बार यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर सर्किट में, हर डेरिवेशन में, हर इक्वेशन बायसिंग करने में हमें इनका यूज करते हैं। तो ये जो ये सर्किट आपको दिया रहेगा वोल्टेज डिवाइडर बायस का, वोल्टेज डिवाइडर बायस सिमिलर है जैसा कि हम लोगों ने बीजेटी में पढ़ा था। बाकी आरडी यानी कि ड्रेन के क्रॉस एक रेजिस्टेंस है, सोर्स के क्रॉस एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मतलब गेट साइड में क्या किया हुआ है, दो रेजिस्टेंस लगा दिया है जो कि दो वोल्टेज को डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ डेवलप होगा एंड आर टू के क्रॉस कुछ वोल्टेज डेवलप होगा, इसलिए इसको हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस बोलते हैं। तो जब भी हम वोल्टेज डिवाइडर बायस हमें दिखता है तो उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं जो कि इस तरीके से होगा, ताकि हम इसमें इजीली केवीएल अप्लाई करके हम सर्किट को सॉल्व कर सकें। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट सिमिलर बनेगा जैसा कि हम लोगों ने बीजेटी में बनाया था, सिर्फ नाम चेंज कर दिया। वहां पे हमने वीटीएच और आरटीएच लिया था, यहाँ पे वीजी एंड आरजी रखेंगे। क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आईजी एंड आरजी की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए हम यहाँ पे आरजी नहीं निकालेंगे। आरजी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए सिर्फ हम क्या निकालेंगे, वीजी। अगर आप लोगों को रिकॉल कराऊं मैं कि वीटीएच जब हम निकालते थे क्या करते थे, वीसीसी इनटू आर2 डिवाइड बाय आर1 प्लस आर2। क्यों? क्योंकि ये आर2 के क्रॉस वोल्टेज हुआ करता है, है ना, जनरली। तो आर2 के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वीडीडी इनटू आर2 डिवाइड बाय आर1 प्लस आर2, वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीजीजी निकालेंगे, है ना, वीजी निकालेंगे सॉरी। तो वीजी निकालने के बाद ये हमारा वीजी वोल्टेज हो गया जो कि यहाँ पे हमने लगा रखा है, और फिर इसमें हम लोग गेट टू सोर्स सर्किट में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो गेट टू सोर्स सर्किट में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अप्लाई करके चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे प्लस से माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वीजी। इसके बाद क्योंकि आईजी इंटू आरजी, आरजी की कुछ भी वैल्यू हो, आईजी इंटू आरजी जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे ये वाली पोर्शन को। देन आ जाएंगे प्लस से माइनस वीजीएस, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस वीजीएस। देन ये वैल्यू होगी आईएस इंटू आरएस, क्योंकि यहाँ पे करंट अगेन आईएस है और इसके आरएस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आईएस इनटू आरएस वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा इसके क्रॉस एंड इक्वल टू जीरो। और यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, वीजीएस निकालेंगे। तो वीजीएस इज इक्वल टू, वीजीएस को इधर लेके चले जाएंगे इक्वल टू के इस साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, वीजी माइनस आईएस इनटू आरएस। रिमेनिंग वीजीएस इधर लेके चले गए तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो होगी माइनस में होगी, माइनस वीजी, ये ध्यान रखना, माइनस वीजी, क्योंकि सिर्फ वीजीएस को लेके आ रहे हैं तो वीजीएस प्लस होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी माइनस वीजी माइनस आईडी इनटू आरएस, क्योंकि आईडी इज इक्वल टू आईएस होता है, तो जहां भी आईएस होगा उसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, आईडी से रिप्लेस कर देंगे। तो इससे हमारा इक्वेशन नंबर टू में क्या निकल गया, वीजीएस का इक्वेशन निकल गया। क्लियर है, रिपीट कर दे रहा हूँ, माइनस वीजी माइनस वीजीएस माइनस आईएस इनटू आरएस। सो ये सारे तीनों माइनस में हो गए। अब इसके बाद मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, वीजीएस की वैल्यू। तो वीजीएस को मैं अगर इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रिमेनिंग दो वैल्यू एज इट इज हो जाएगी, यानी कि माइनस वीजी माइनस आईएस इनटू आरएस, और वीजीएस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन वीजीएस का निकल जाएगा। और फिर ये इक्वेशन निकालने के बाद, वीजीएस इक्वेशन निकालने के बाद, ये शॉकलेज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आईडी का इक्वेशन, इससे आईडी निकल जाएगा, इससे वीजीएस का इक्वेशन निकलेगा, और इन दोनों की वैल्यू का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, फिर केवीएल सर्किट लगा देंगे वो ड्रेन ड्रेन टू सोर्स वाले, isn't it? ठीक है? So finally, what we'll do here, अब ड्रेन टू यानी कि ड्रेन टू सोर्स वाला जो सर्किट है, इसमें हम फिर अप्लाई करेंगे केवीएल सर्किट, है ना। तो
तो जब हम इसमें यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे, इसमें वेरी सिंपल केवीएल है, जैसा कि केवीएल हमने सेल्फ बायस में किया था वैसा ही केवीएल इसमें भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वीडीडी वोल्टेज है, तो हमने यहाँ पे कर दिया वीडीडी माइनस इसके अक्रॉस करंट आईडी है, यहाँ पे करंट आईडी फ्लो रही है, रेजिस्टेंस आरडी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आईडी इनटू आरडी, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज वीडीएस है तो प्लस से माइनस यानी कि माइनस वीडीएस हो जाएगा, और इसके अक्रॉस करंट आईएस फ्लो रही है और रेजिस्टेंस आरएस है तो हो जाएगा माइनस आईएस इनटू आरएस। क्लियर? तो सेम इक्वेशन यहाँ पे, और इससे माइनस आईडी इनटू आरडी माइनस वीडीएस एंड माइनस आईएस इनटू आरएस इज इक्वल टू जीरो। निकालना क्या है, जनरली हम लोगों को वीडीएस निकालना है, क्यों? क्योंकि बाकी वैल्यूज आप लोगों को ऑलरेडी पता रहेगी या निकल जाएगी, तो वीडीएस निकालना होगा हमें, और वीडीएस की वैल्यू हम वीडीएस को इधर लेके आ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज रह जाएंगी। तो वीडीएस इज इक्वल टू क्या मिलेगा आप लोगों को, वीडीडी माइनस आईडी आरडी माइनस आईएस आरएस। तो दिस इज द ऑल अबाउट JFET डीसी बायसिंग, इन्हीं तीन डीसी बायसिंग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जस्ट विल डू वन स्मॉल न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ फिक्स बायस JFET, है ना? तो फिक्स बायस JFET का न्यूमेरिकल एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है यहाँ पे। डिटरमाइन द फॉलोइंग फॉर द गिवन फिगर, इस फिगर के लिए क्या क्या निकालना है, VGSQ, IDQ, VDS, PD, VG and VS। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को, GSQ और VDQ, IDQ, Q किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, Q पॉइंट के लिए हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जो सर्किट दिया हुआ है उसमें 16 वोल्ट VDD की वैल्यू दी हुई है, RD की वैल्यू 2 किलो ओम दिया हुआ है, IS RS जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये फिक्स बायस है, देख के पास कहीं लिखा नहीं है फिक्स बायस, बट देख के पता चलेगा कि ये फिक्स बायस है। यहाँ पे VGG की वैल्यू 2 वोल्ट दिया हुआ है और RG जो है वो 1 मेगा ओम दिया हुआ है ना। यहाँ पे VGS एलईडी दे दिया हुआ है, IDSS की वैल्यू एलईडी दी हुई है, VP भी पिंच ऑफ वोल्टेज भी एलईडी आपको दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले बेस में मतलब जो गेट वाले सर्किट उसमें केबल लगाएंगे, उससे हम लोग का क्या इक्वेशन निकलेगा, VGG इज इक्वल टू माइनस VGS, जस्ट थोड़ी देर पहले किया था हमने, तो इसलिए VGS इज इक्वल टू माइनस VGG, जहां पे की VGG की वैल्यू 2 वोल्ट दी हुई है, तो हमारा इक्वेशन जो निकल गया VGSQ यानी कि VGS की Q पॉइंट की वैल्यू जो हो गई वो -2 वोल्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, जैसे ही VGS निकल गया हम क्या करेंगे, ID की वैल्यू निकालेंगे, और ID कैसे निकालेंगे, शॉकलेज इक्वेशन से। शॉकलेज इक्वेशन क्या होता है, IDSS 1 VGS / VP का होल स्क्वायर, जहां पे कि एवरीथिंग इज गिवन, IDSS इज गिवन 10 मिली एंपियर, 1 माइनस VGS की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाला -2 वोल्ट, एंड वीपी की वैल्यू -8 वोल्ट दी हुई है, तो ये 3 माइनस है, तीनों मिला के क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया 10, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 8 करेंगे अगर आप, तो आएगा 0.25 का स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज 10 इंटू 0.75 का स्क्वायर, और आपकी वैल्यू जो मिलेगी 5.625 मिली एम्पियर निकल जाएगी आईडी की वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल गो फॉर द केवीएल इन द ड्रेन टू सोर्स सर्किट। बड़ा ही सिंपल, एक लाइन का केवीएल, VDD minus IDRD minus VDS is equal to 0, और VDS की वैल्यू क्या हो जाएगी, VDD minus ID into RD। VDD already given है, 16 volt की वैल्यू यहाँ 16 volt दिया हुआ है ना, तो 16 volt and ID into RD, ID निकल चुकी है 5.625 मिली एम्पियर में, एंड RD जो है यहाँ पे 2 किलो ओम दिया हुआ है, तो 5.625 into 2 and you'll be getting 4.75 volt। Now, he has asked, एक question पूछा गया, VDS निकालने के लिए, VDS निकल गया, VD निकालने के लिए क्या करेंगे, VD is equal to VD minus, VDS is equal to VD minus VS होता है, आप लोगों को बता रखा है पहले भी, बट क्या है कि यहाँ पे VS की वैल्यू जीरो है, यानी कि सोर्स वोल्टेज जो है जीरो है, इसीलिए यहाँ पे VDS is equal to VD हो जाएगा, ठीक है, VD minus VS is equal to VDS होता है, आप लोगों को पता है पहले से, और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये VD minus VS is equal to VDS होगा, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे कि VS की वैल्यू जीरो है, इसलिए ये VDS is equal to, ये हो गया जीरो, तो VD is equal to VDS। Similarly, VGS is equal to क्या लिख सकते हैं हम लोग, VG minus VS, यहाँ भी VS की वैल्यू जीरो है, क्योंकि सोर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसलिए VG is equal to VGS हो गया, है ना। एंड देन आस्ट VS क्या होगा, तो सोर्स से लेके यहाँ तक शॉर्ट है, शॉर्ट एक तरीके से, इसलिए ये VS की वैल्यू होती है जीरो। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल था आप लोगों का, तो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।